Hey guys, welcome to my channel. This is Mr. Paradox. तो आज हम लोग Flamingo class 12 से the last lesson की summary समझेंगे, जिसके writer हैं Alphonse Daudet. तो without wasting any time, let's start. तो ये story set है 1870s के time में, जब Franco-Prussian war हुआ था, जिसमें Prussia, जिसके leader थे Bismarck, उन्होंने France को war में हराया था. इस हार के कारण फ्रांस को अपने दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन प्रुशिया को देने पड़े थे. तो स्टोरी स्टार्ट होती है नोबिता जैसे एक लड़के से, जो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि टीचरों से लेट आने के लिए डांटेंगे. इस पर से टेंशन वाली बात ये थी कि इसके फ्रेंच के टीचर मिस्टर हेमेल ने आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था और इस लड़के ने तैयारी नहीं की थी. वेदर वार्म था और दिन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही थी और ये गेम खेलने के लिए एक अच्छा मौसम था. साथ ही 100 मील के पीछे वाले मैदान में वो दो प्रुशियन सोल्जर्स को ड्रिल करता हुआ देखता है. इसके बाद चलते चलते वो पहुंचता है टाउन हॉल में, जहां के बुलेटिन बोर्ड में अक्सर न्यूज़ आया करती थी, जैसे हारे हुए वॉर्स की, ड्राफ्ट की या कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स की. वो देखता है कि बाहर बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों की भीड़ जमा थी. वो लड़का बिना वहाँ रुके ये सोच रहा होता है कि अब कौन सी बुरी खबर आई होगी. तभी वॉचर, जो कि एक लोहार था और अपने ट्रेनी के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, वो उस लड़के को देखता है और उससे कहता है, इतना तेज मत भागो, तुम थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाओगे. उस लड़के को लगता है कि वो लोहार उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है. थोड़ी ही देर में वो हाँफता हुआ मिस्टर हेमेल के छोटे से गार्डन के पास पहुँचता है, जिसके पास ही स्कूल था. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बच्चों की आवाज़ स्कूल के पास की गली तक भी आ रही होती है. कभी डेस्क के लॉकर्स के खुलने की आवाज़, तो कभी बच्चों के कोई चैप्टर एक साथ इतने दूर से पढ़ने की आवाज़ के कान पे हाथ तक रखने पड़ते हैं, या फिर टीचर्स जब स्केल मारते हैं डेस्क पे उसकी आवाज़. लेकिन उस दिन सब शांत थे, शायद इसलिए क्योंकि वो एक संडे स्कूल था और संडे की मॉर्निंग शांति होती है. अपनी क्लास की विंडो से वो वहाँ अपने क्लासमेट्स को क्लास में बैठा हुआ देखता है, साथ ही वो अपने टीचर को भी देखता है. वो देखता है कि उसके टीचर के हाथ में एक आयरन का स्केल है, जो और भी ज़्यादा डरने वाली बात थी. जब वो क्लास में एंटर करता है तो सब उसे ही देख रहे होते हैं, जिससे वो शाई फील करता है और ब्लश करता है, लेकिन उसके साथ ही ये डर भी होता है कि टीचर अब उसे लेट आने के लिए डांटने वाले हैं. लेकिन जब उसके टीचर उसे देखते हैं तो उसे डांटने के बजाय वो उसे बड़े प्यार से कहते हैं कि जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम फ्रेंड्स है. इसके बाद फ्रेंड्स तुरंत ही जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और थोड़ा नर्वसनेस ख़त्म होने के बाद वो अपने टीचर की अपीयरेंस के बारे में कुछ नोटिस करता है. मिस्टर हेमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, जो कि वो स्पेशल डेज जैसे इंस्पेक्शन डे या प्राइस डे के दिन ही पहना करते थे. पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि फ्रेंड्स देखता है कि जो लास्ट बेंचेस हैं, जो मोस्टली खाली होते थे, उन पर आज विलेज के बाकी लोग आके बैठे हुए थे. उन्हीं में से एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर हॉजर. उनके पास एक पुराना प्राइमर था जो उन्होंने अपनी लैब्स पे रखा हुआ था और उसी के पेजेस के पास उनका चश्मा रखा हुआ था. गाइस, प्राइमर एक पुराने कैनवस या मेटल को कहते हैं, जिसे देखकर ही आप बता सकते हो कि वो काफ़ी पुराना है, और थंब का मतलब है इसे काफ़ी बार हाथ लगाया गया है, इसे काफ़ी बार यूज़ किया गया है. जब फ्रेंड्स ये सब नोटिस कर ही रहा होता है, इसी बीच मिस्टर हेमल खड़े होते हैं और सभी से उसी पैरी टोन में कहते हैं, मेरे बच्चों आज जो मैं आपको लेसन देने वाला हूँ वो आखिरी लेसन होगा. बर्लिन से ये ऑर्डर्स आए हैं कि एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में अब सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी और आपके जो नए मास्टर हैं वो कल से आ जाएंगे. ये आपका आखिरी लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे एकदम अटेंटिव होकर सुने. ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है फ्रेंच के लिए और उसे अब रियलाइज़ होता है कि जो भीड़ जमा हुई थी टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन के पास, वो इसी न्यूज़ के लिए थी. उसे रियलाइज़ होता है कि उसका लास्ट फ्रेंच का लेसन है, इसके बाद उसकी फ्रेंच की पढ़ाई रुक जाएगी. उसने कुछ सीखना शुरू भी नहीं किया था, अब उसे रियलाइज़ होती है अपनी गलती. उसे बुरा लगता है कि जब उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी तब वो चिड़ियों के अंडे ढूंढने निकलता था या सार नाम की एक नदी के पास खेलने जाता था, और जब ये सब जा रहा है तो उसे बुरा लग रहा है. जो किताब उसे कुछ समय पहले तक बेकार लगती थी, कैरी करने में हैवी थी, और जो ग्रामर थी उसकी या उसकी जो हिस्ट्री थी, अब उसके पुराने दोस्त बन चुके थे जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता था. उसे मिस्टर हेमल के लिए बुरा लगता है और ये बुरा लगता है कि हम उसे दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा. इस सब के बीच वो उनके डांटने के बारे में या उनके आयरन स्केल के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, बेचारे मिस्टर हेमल. अब फ्रेंड्स को रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि उनका आखिरी लेसन है आज, इसलिए उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं. इसीलिए लास्ट बेंचेस पे आज कई बूढ़े लोग आए हुए थे, क्योंकि
वो भी सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी स्कूल जाना छोड़ दिया था और वक्त रहते पढ़ाई नहीं की थी। इसीलिए वो आखिरी बार थैंक्स करने आए थे और अलविदा करने आए थे मिस्टर हिमल को उनकी 40 साल की सर्विसेज के लिए और उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जब उनकी थी ही नहीं। अब फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो सुनता है कि उसका नाम पुकारा गया है। अब रिसाइट करने की यानी कि बोलने की उसकी टर्न थी और वो फिर से नर्वस होना शुरू हो जाता है। फिर वो खुद से सवाल करता है कि उसमें ऐसी कौन सी कमी है कि वो पार्टिसिपल्स के रूल को ध्यान में रखते हुए एकदम क्लियरली और लाउडली सर को वो रूल सुना दे बिना कोई गलती किए। पर वो अपने वर्ड्स में मिक्सअप हो जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने डेस्क को टाइटली पकड़ लेता है। उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है और वो शर्म के मारे नीचे देखता रहता है, उसमें हिम्मत नहीं होती ऊपर देखने की। तभी वो सुनता है मिस्टर हेमल को उससे कहते हुए, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, मुझे पता है कि तुम पहले से बुरा फील कर रहे होगे, ऐसा सबके साथ होता है। हर दिन हम खुद से कहते हैं मैं पास बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूँगा, और ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है और फिर देखो हमारा क्या होता है। यही प्रॉब्लम है इस डिस्ट्रिक्ट यानी एलसीएस वालों के साथ, हमेशा काम को टालते हैं। और जब बाहर दूसरे लोग पूछते हैं कि स्कूल कैसे चल रहा है तो तुम एकदम नाटक करते हो कि तुम एक फ्रेंच मैन हो। हकीकत तो यह है कि ना तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है ना फ्रेंच बोलनी आती है। पर तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंड्स, हम सब ने ही कुछ ना कुछ गलतियाँ की अपनी लाइफ में। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हारे फैक्ट्री या मिल्स में काम करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्यों? ताकि उनके पास थोड़े और पैसे आ सकें। और मेरी भी तो गलती है, मैंने भी तुम्हें तब अपने गार्डन पे काम करने के लिए लगा दिया, पौधों को पानी देने के लिए लगा दिया जब तुम्हें बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए थी। यही नहीं, जब मुझे फिशिंग पे जाना था तब मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी जिससे तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हुआ। फिर मिस्टर हिमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए ये कहते हैं कि ये बहुत प्यारी लैंग्वेज है, ये बहुत क्लियर लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज भी है, हमें इसे अपने पास संभाल कर रखना चाहिए और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर लोगों को गुलाम बनाया जाता है लेकिन अगर उन्हें अपनी भाषा नहीं छोड़ी होती है तो ये ऐसा है जैसे कि उनके जेल की चाबी उन्हीं के पास है। इसके बाद मिस्टर हिमल ग्रामर की किताब निकाल के पढ़ाना शुरू करते हैं और फ्रेंड्स ये शौक हो जाता है ये रियलाइज़ करके कि वो सारे चैप्टर्स आसानी से समझ पा रहा था क्योंकि वो अटेंटिव था। उसने क्लास में पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया था और मिस्टर हिमल ने भी इतना शांति से पहले नहीं पढ़ाया था। वो इतनी शांति से पढ़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले वो सारी नॉलेज हमें देना चाहते हैं। ग्रामर के बाद उनका राइटिंग में एक लेसन होता है और मिस्टर फ्रांस उनके लिए नई कॉपीज लेकर आए थे जिसमें राउंड करके बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ था फ्रांस एलसेस फ्रांस एलसेस। वो बहुत सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स थे और ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो कि पूरे क्लासरूम में बहुत प्यारे तरीके से फ्लोट कर रहे हैं और ये देखकर अच्छा लग रहा था। उन्हें क्लास को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया गया था और उन्हें क्लास के टॉप से लेकर डेस्क तक बांधा गया था। सब लोग वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे और ख़ासकर बहुत शांति से। अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो वो थी पेन की पेपर पे स्क्रैच करने की। हाँ, बीच में विंडो से कुछ छोटे मोटे बीटल्स आए क्लास में लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे थे वो भी एकदम आराम से अपने डेकोरेटिव काम में लगे हुए थे। सब अपने डेकोरेटिव वाला काम भी एकदम सीरियसली कर रहे थे मानो कि वो वहाँ भी फ्रेंड सीख रहे हों। फिर वो रूफ पर कुछ पिजन्स की आवाज़ को सुनता है और फिर वो खुद से सोचता है कि ये जो सोल्जर्स हैं क्या ये इन पंछियों की आवाज़ को भी जर्मन में कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो सोचता है क्या ये लोग अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा लेंगे कि हमारे रहने वाले सभी लोगों को यहाँ तक कि पिजन्स को भी जर्मन भाषा में बोलने को कहें। राइटिंग के दौरान जब भी फ्रेंड्स मिस्टर हिमल को देखता था तो अपने चेयर में शांति से बैठकर कभी एक चीज़ को देख रहे होते थे कभी दूसरी चीज़ को, जैसे कि वो सब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस एक आखिरी बार देखकर याद कर रहे थे कि कैसा दिखता है ये स्कूल का क्लासरूम, ये गार्डन, ये बच्चे और बाकी लोग एक आखिरी बार। ये अजीब बात है क्योंकि 40 साल से वो एक जगह पढ़ा रहे थे, वही गार्डन था, वही क्लासरूम उनके सामने थी और सब कुछ वैसा ही था। हाँ, बेंचेस थोड़े और स्मूथ और अच्छे हो गए थे, वॉलन ट्रीज जो बाहर गार्डन में थे वो भी बड़े हो गए थे और जो पौधों ने लगाया था वो इतना बड़ा हो गया था कि क्लासरूम की विंडो तक आता था। ये उनके लिए दुख की बात थी। उनके सिस्टर ऊपर वाले फ्लोर में सामान पैक कर रही थी, ट्रंक्स और बाकी सामान को इधर उधर कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ही कंट्री छोड़कर जाना था। वो स्कूल के पास ही रहते थे, उनमें अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वो अपना लास्ट लेसन देकर ही जाएं। और फिर हिस्ट्री का लास्ट लेसन पढ़ाने के बाद छोटे बच्चों ने रिसाइटिंग स्टार्ट की। फिर कमरे के लास्ट बेंच से बूढ़े व्यक्ति मिस्टर हॉसर उठे, उन्होंने चश्मा लगा रखा था और फिर जो अलविदा करने वाला लेटर था वो उन्होंने पढ़ा और प्राइमर उनके हाथ में था। वो लेटर पढ़ते पढ़ते रो भी रहे थे
जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था और साथ ही साथ फ़नी भी था, क्योंकि वो पढ़ते हुए बहुत फ़नी लग रहे थे। और ऐसे उनका लास्ट लेसन ख़त्म हुआ। फिर चर्च क्लॉक की आवाज़ आई, घड़ी में 12 बज रहे थे। फिर क्लासरूम की विंडो से नीचे गली में चल रहे प्रशियन सोल्जर्स जिनके हाथ में ट्रम्पेट थे, उनकी आवाज़ आई। फिर मिस्टर हिमल अपने चेयर से खड़े हुए, उनके एक्सप्रेशन पेल यानी डरे हुए और शॉक्ड थे। इससे पहले इतने टॉल वो कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, मेरे दोस्तों मैं, पर वो कुछ आगे कह ही नहीं पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ पीछे मुड़े, उन्होंने चौक उठाया और बहुत इमोशनल होके उन्होंने लिखा, विवे ला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुके और ब्लैक बोर्ड की तरफ थोड़ा सा लीन हुए और फिर कुछ नहीं कहा। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने हाथों से जेस्चर किया कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप सब जा सकते हैं।